हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए एक कैरमल कस्टर्ड पुडिंग की रेसिपी डिफरेंट तरीके से बनाएंगे क्योंकि मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ गाजर तो इसके न्यूट्रिएंट वैल्यू और बढ़ जाएंगे बच्चों को पसंद आता है बड़ों को पसंद आता है ठंडे ठंडे इस पुडिंग का मज़ा लेंगे आप रमज़ान में और गर्मियों में तो आपको बहुत अच्छा लगने वाली है ये रेसिपी क्योंकि घर में रखी हुई चीज़ों के साथ बन जाती है और बहुत ही ईजी तरीके से बन जाती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ इस रेसिपी के लिए मैंने लिया है एक चम्मच घी घर में जो नॉर्मल जो चम्मच हम लोग यूज़ करते हैं ना स्टील वाले उससे मैंने एक चम्मच घी लिया है घी जब यहाँ पर गर्म हो जाएगा ऐड करेंगे गाजर मैंने एक मीडियम साइज़ का गाजर ले लिया था जिसे मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है आप चाहे तो ग्रेट करके भी ले सकते हैं इसे मैंने अच्छे से इस तरह से थोड़ा सा दो मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और थोड़ा सा ये पक भी जाए दो मिनट के लिए हमने इसे कुक कर लिया था देखिए गाजर का कलर हल्का हल्का सा चेंज हो चुका है पहले से थोड़ा सा भून भी गया है अब इसमें ऐड करेंगे एक कप दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध आप ऐड करेंगे इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लेट लगा करके इसे पकने देंगे जब तक कि गाजर हमारे थोड़े से पक नहीं जाते सॉफ्ट नहीं हो जाते तो इसे मैंने लगभग पाँच मिनट के लिए पकाया होगा यहाँ पर गाजर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं बहुत ज़्यादा मैशी मैशी नहीं करना है ठीक है इतना ही रखना है तो यहाँ पर देखिए ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए दूध हमारा अभी ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ है बस यहाँ पर हमने गैस को बंद करना है और इसे रूम टेम्परेचर पर आने देना है अब हम अपनी पुडिंग के लिए कैरमल बनाएंगे तो मैंने एक पैन लिया है इसमें मैंने डाला है फ़ोर टेबल स्पून शुगर ये देखिए नॉर्मल जो बेकिंग के लिए हम लोग टेबल स्पून यूज़ करते हैं ना उससे मैंने माप कर लिया है फ़ोर टेबल स्पून शुगर और बिल्कुल लो फ्लेम रखते हुए इसे हमने इस तरह से कैरमलाइज होने देना है जब ये इस तरह से हल्का सा बीच बीच में बबल उठने लगेगा ना तो इसे हल्के हाथों से हमने इसे मिक्स करना है धीरे धीरे और विद इन अ सेकेंड ये सारा शुगर हमारा डिज़ोल्व हो जाएगा मेल्ट हो जाएगा तो जैसे ही शुगर हमारा डिजॉल्व होता है और इस तरह से गोल्डन कलर आता है ना तो बस हमने गैस को बंद कर देना है फटाफट से ठीक है ये काम सारी आप जल्दी जल्दी करेंगे अदरवाइज ये बहुत जल्दी सेट होने लगता है तो इसे उठाएंगे और एक बेकिंग टिन में मैंने यहाँ पर डाल दिया और इसे चारों ओर फैला लेंगे तो यहां पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि इस पुडिंग के लिए सेट करने के लिए आप कोशिश करेंगे इस तरह का जर्मन एल्यूमिनियम का जो टिन होता है ना वो आप लेंगे या फिर कोई आप टिफिन बॉक्स भी ले सकते हैं तो इसे अभी फिलहाल साइड पर रखते हैं हैं। अब यहाँ पर देखिए अब हमने पुडिंग का मिक्सचर तैयार करना है ये हमारा मिक्सचर अच्छे से नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ गया है तो ये ऐड कर देंगे मिक्सी के जार में और जो भी ऐड करेंगे ना फ्रेंड्स वो हमारा रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए हाफ कप दूध ऐड करेंगे रूम टेम्परेचर वाला उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है फोर टेबल स्पून मिल्क पाउडर कोई सा भी ब्रांड ले सकते हैं इसे ब्लेंड करके इस तरह से हमने इसकी एक फाइन सी प्यूरी बना लेनी है पेस्ट बना लेनी है अब इसके अंदर हमने ऐड करना है तीन अंडे तो मैं हर एक अंडे को वन बाय वन करके ऐड कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि अंडे ख़राब निकलते हैं तो इस तरह से तोड़ के डालने से आपकी श्योर हो जाती है तो अब इसमें डालना है हमने थ्री टेबल स्पून शुगर उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है वन टी वनीला एसेंस आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर वनीला एसेंस नहीं है फिर से इसे ब्लेंड कर लेंगे और इस तरह से देखिए ये हमारा मिश्रण तैयार है हमारा मिक्सचर तैयार है इसे हम टिन के अंदर ऐड कर देंगे जिसमें हमने कैरमल डाला था इस तरह से छान के डालेंगे ताकि जो भी मोटे पार्ट हो ना वो हमारे छन जाए अब यहाँ पर ये यह हमारा रेडी हो गया इसे हमने अच्छे से सील पैक कर देना है ताकि स्टीम करते वक्त इसके अंदर पानी ना जाए तो मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल लगा रही हूँ अब चाहे तो कोई ढक्कन वाला भी बर्तन ले सकते हैं इसे स्टीम करने के लिए ये हो गया चलिए इसे स्टीम करने डालते हैं तो यहाँ पर मैंने स्टीमर को पहले से ही रेडी करके रे, रखा था मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था पानी में उबाल आ चुका है और यहाँ नीचे एक स्टैंड रख दिया था इसके ऊपर हम डाल देंगे ये टिन जो हमने जिसमें हमने अपनी पुडिंग का मिक्सचर डाला है और यहाँ पर मैं पानी दिखा दे रही हूँ आपको कि ये देखिए ये टिन हमारा सिर्फ़ एक हिस्सा पानी के अंदर डूबा होना चाहिए और दो हिस्सा हमारा ऊपर होना चाहिए पानी के ऊपर तो पानी की क्वांटिटी आप देख कर ही डालेंगे मैंने आपको बता दिया ना बस आप उसी तरह से डालेंगे वापस से इसमें लिड लगा लेंगे और इसे आराम से हमने स्टीम होने देना है तकरीबन एक घंटे से ऊपर का समय मेरा लगा था कितना लगा था मैं आपको आगे बताऊंगी तो चलिए इसे स्टीम होने देते हैं अच्छा चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए एलुमिनियम फॉइल के ऊपर ना इस तरह से स्टीम करने से थोड़ा पानी आ जाता है तो पहले आप उसे इस तरह से किसी सूखे कपड़े से आप क्लीन कर लेंगे ताकि जब अभी हम इसे चेक करेंगे ना तो इसके अंदर पानी का एक कतरा नहीं जाना चाहिए ठीक है अब चलिए कोई आप टूथपिक ले सकते हैं या फिर कोई स्क्यूअर्स ले सकते हैं इस तरह से सेंटर में थोड़ा सा इसे आ, होल करके इस तरह से देखिए नीचे करते हुए चेक करेंगे देखिए बिल्कुल क्लियर निकलना चाहिए तो ये हमारा क्लियर निकल रहा है चलिए इसे बाहर निकालते हैं और इसे मैंने टोटल एक घंटे पंद्रह पंद्रह मिनट के लिए स्टीम किया था ठीक है अब चलिए इसे मैं खोल करके आपको दिखाती हूँ कि हमारा पुडिंग कितना अच्छा सेट हुआ है ये देखिए इसकी जाली बता रही है कि ये बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है फिर से इसकी ओर से मैं आपको करके दिखा रही हूँ देखिए बिल्कुल क्लियर और क्लीन निकलना चाहिए तो इसका मतलब है हमारी पुडिंग बहुत अच्छे से, से सेट हुई है पर अभी आप इसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए और फिर इसे फ्रिज में रख दीजिए छः से सात घंटे के लिए फिर हम इसे डीमोल्ड करेंगे सात घंटे बाद मैंने इसे फ्रीज में रख दिया था अच्छे से ठंडा हो चुका है ये और पुडिंग ना ठंडे ठंडे ही मजा आती है ठीक है तो इस तरह से देखिए नाइफ की मदद मतलब से चारों ओर अच्छे से हमने इसे इस तरह से कर लेना है रिलीज़ कर लेना है इसे और फिर एक प्लेट रखेंगे और इसे पलट देंगे तीन से चार बार थोड़ा सा टैप कर देंगे और ये पुडिंग हमारी देखिए कितनी आसानी से डीमोल्ड हो गई है और कितना प्यारा लुक आया है हमारे पुडिंग का तो यहाँ पर ये बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स अभी गर्मियों में तो आपको बहुत मज़ा आने है खास करके रमजान में तो चलिए मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूं और ये इतना टेस्टी बनता है ना कि बच्चे बड़े हर कोई शौक से खाता है आप एक बार जरूर बनाइएगा फिर मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा है आम श्योर आपको और आपकी पूरी फैमिली को ये बहुत अच्छा लगने वाला है बनाइएगा परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने दी है आपका बहुत अच्छा बनेगा वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर लीजिएगा सब्सक्राइब कर लेंगे कोई नए देख रहे हैं तो और चलिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय Bye. Allah Hafiz and thank you for watching.